अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे गणित का पेपर आप लोग फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख ली त्रैमासिक बचा 2023-24 बैसा गणित कक्षा 12वीं पूर्णांक 80 कराएगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे गणित का पेपर अपलोड कराओ, तो फाइनली पेपर पूरा आपका यहाँ पर गणित पे आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी पूरी 80 मार्क्स आने वाले इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। और पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल चलित कराएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। तो और दूसरा तो प्रश्न के बाद 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखो 6 नंबर के आते हैं। तो fx बराबर आपका 8x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर बराबर आर फलन है, ये आपको बताना। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन आता है एफ एक गई अच्छा तक, और बा आता एफ बहु एक अच्छा तक, और सा आता एफ एक गई है परंतु अच्छा तक नहीं है, और दा आता एफ ना तो एक गई है और ना अच्छा तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, एफ एक गई है परंतु अच्छा तक नहीं। ठीक है, पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना और साथ ही सुनना, साथ ही इनके स्क्रीन शॉट भी आपको लेते चलना जिससे आपको रिविजन करने में आसानी जाएगी। ठीक है, फिर आपका दूसरा था यदि एक आवयु सममित तथा सममित दोनों ही हैं, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है एक विकर्ण आवयु, और बा ऑप्शन आता है एक शून्य आवयु, और सा आता है एक वर्ग आवयु, और दा आता है ए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि एक आवयु सममित असममित दोनों ही हैं तो आपका इसका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा, ए एक शून्य आवयु। ठीक है, दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा, ए एक शून्य आवयु। अब आपका तीसरा आता है एक वर्ग आवयु आवयुत्क्रमणीय आवयु कहलाता तब। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता मोड ए बराबर एक, और बा आता मोड ए बराबर दो, और सा आता मोड ए बराबर तीन, और दा आता मोड ए बराबर जीरो। तो यहाँ पर एक वर्ग आवयु आवयुत्क्रमणीय आवयु कहलाता है जब मोड ए बराबर जीरो। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड ए बराबर जीरो। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए यदि ए 3×3 कोटि का वर्ग आवयु है तो इतनी का मान आपका क्या हुआ आपको बताना। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन आता मोड ए, बाता मोड ए की घात 3, और साता मोड ए स्क्वायर, और दाता 3 मोड ए। तो यहाँ पर जो आपका चौथे का आंसर आएगा वो आपका सा हो जाएगा मोड ए स्क्वायर। अब पांचवा आपका आता है यदि ए 1, 2, 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो और जो स्वतल तथा सममित किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है, तो आपको यहाँ पर संख्या बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ हो जाएगा 1। ठीक है, पाँचवें का आपका आ करेक्ट आंसर आएगा 1। छठवां आता है यदि ए बराबर 1, 2, 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 2। जो आपके यहाँ पर तुल्यता संबंधों की संख्या है वो आपकी 2 रहेगी। तो आपके इस तरह से ये 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे देख भी ली हूँ, सुन भी लिया होगा, स्क्रीन शॉट भी ले ली होंगी। स्क्रीन शॉट नहीं लिए तो आप यहाँ पर हम फिर से दिखा देते हैं जिससे आप आसानी से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप प्रश्न 2 आता है पूर्ति कीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, आपका यहाँ पहला आता रहता है यदि ए बराबर 1, 2, 3 हो तो अब एक दो वाले बहु वाले तुल्यता संबंधों की संख्या डॉट डॉट होगी। तो आपका पहले रेगिस्तान में यहाँ पर जो आपके यहाँ पर तुल्यता संबंधों की संख्या होगी वो आपकी 2 होगी, तो पहले रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका 2 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता प्रत्येक फलन डॉट डॉट होता है, तो यहाँ प्रत्येक फलन संबंध होता है, तो आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा संबंध। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर संबंध रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है समुच ए बराबर ए बी सी पर तत्समक संबंध डॉट डॉट है, तो आपके यहाँ पर तत्समक संबंध बताना है। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ए, आपका यहाँ पर तत्समक संबंध। तो जल्दी से देख लीजिए आपके यहाँ पर तत्समक संबंध है, तो आप यहाँ पर आपके तीसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए 3×3 कोटि के ऐसे आवयों की कुल संख्या डॉट डॉट होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर 9 रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रेगिस्तान का आंसर आपका 2 रहेगा, दूसरे का आपका संबंध, तीसरे का आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तत्समक संबंध है, और चौथे का आंसर आपका 9 रहेगा। ठीक है, अब चलिए जो पाँचवा रेगिस्तान वो देख लेते हैं, तो पूरा आपका यहाँ पर पेपर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, साथ ही आपको ध्यान से देखना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आपका रेगिस्तान आता है एक वर्ग आवयु ए समक्षम आवयु कहलाता है यदि, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपका रहेगा पाँचवें रेगिस्तान का आंसर ए स्क्वायर बराबर ए। फिर आपका छठवां आता है एक फलन एफ एक्स द्वारा प्रदत्त संबंध आर बराबर डॉट डॉट संबंध है, तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा छठवें का आप यहाँ पर देख लीजिए ए, आपका यहाँ पर छठवें का आंसर, तो जल्दी से देख लीजिए आपके छठवें रेगिस्तान का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर सातवां रेगिस्तान आता है,
तो आप यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का प्लान डोंट नॉट है, तो साथ में आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस एक और एक, ये आपके साथ में रेगिस्तान का आंसर रहेगा। तो पहले रेगिस्तान का आंसर आपका दो रहेगा, दूसरे का आपका संबंध, और तीसरे रेगिस्तान का आंसर देख लीजिए, चौथी का आपका नो आंसर रहेगा, पाँचवें का आंसर आपका ए स्क्वायर बराबर ए, और छःवें का आंसर देख लीजिए, सातवें का आंसर आपका माइनस एक और एक रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कम्प्लीट, और हम आपको यहाँ पर जो रेगिस्तान का सोल्यूशन वो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो इसका जो लीजिए स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी मिलाइए, छः नंबर की आती है कुलम आओ पाओ में दिखी सही जोड़ी, पहले आती है ए वन बराबर ए, तो इसे आपको ए वन प्लस बी वन से मैच कर देनी है, सॉरी आपको जो ए वन बराबर ए है वो आपको मैच करनी है ए एक सममित आवयु, ये इससे मैच करनी है, ठीक है। और दूसरी आती है ए प्लस बी वन का होल वन, ठीक है, तो इससे आपको मैच करनी है यहाँ पर ए वन प्लस बी वन से। जो तीसरी आती है मोड ए बी, तो तीसरी आपकी हो जाएगी मोड ए और मोड बी से मैच कर देनी है। चौथी आती है ए इनवर्स, तो इसे आपको मैच करना है यहाँ पर वन बटे में मोड ए। जो पाँच में आती है लॉग एक्स, तो इसे आपको दो बटे में एक प्लस एक्स स्क्वायर से मैच कर देनी है। जो छः में आती है साइन एक्स या तीन का अवकलन गुणांक, तो इसे आपको मैच करनी है तीन एक्स या दो साइन एक्स या तीन से मैच कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट, जो कि छः नंबर की दिशा आती है, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आपका प्रश्न चाहता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, छः नंबर सात नंबर के आते हैं, तो पहला था कॉस एक्स जीरो का एक्स छापिस अवकल गुणांक लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा, तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पर डी डी एक्स कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ये रहेगा आपका पहले, ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर का आंसर, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है जो आपका तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, जो तीसरा और चौथा, तीसरे चौथे का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। जिसको भी पता है यहाँ पर, जिसको भी तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। पाँचवा आता प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए स्टूडेंट, प्रत्येक का अवकलनीय फलन सतत होता है, ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर, ठीक है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अब छःवा आपका यहाँ पर आता है, तो तत्समक आवयु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो छःवें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, अब अवयव शून्य होते हैं तत्समक आवयु कहलाता है, यह रहेगा आपका छःवें का आंसर, ठीक है, अवयव शून्य होते हैं तत्समक आवयु कहलाता है, आपका छःवें का आंसर रहेगा। अब चलिए सातवां देख लेते हैं, तो सातवां आपका आता है यदि मोड ए बराबर जीरो हो तो एक व्युत्क्रमणीय आवयु होगा, तो आपका यहाँ पर जो सातवें का आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ए एक व्युत्क्रमणीय आवयु होगा, ये आपका रहेगा सातवें का आंसर, ठीक है, हाँ ए एक व्युत्क्रमणीय आवयु होगा। तो ये आपके इस तरह से यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका माइनस कॉट एक्स, जो तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन हो, ठीक है, तीसरे और चौथे का आंसर आपको खुद करना, पाँचवें का आंसर प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता, छःवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अवयव शून्य होते हैं तत्समक आवयु कहलाता है, और सातवें का आंसर रहेगा आपका हाँ एक ए एक व्युत्क्रमणीय आवयु होगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न पाँच, निम्न कथनों में सत्य असत्य बताइए, छः नंबर के आते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर आता फलन वाई बराबर, ठीक है, एक्स फाइव माइनस एक्स एक्स बराबर पाँच बटे तीन पर उच्चस्ट है, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और दूसरा था वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स अच्छा था एक्स बराबर एक और एक्स बराबर दो से गृह भाग का क्षेत्रफल सात बटे में आठ वर्ग यूनिट होगा, तो दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा था समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण इतने, तो जो आपका तीसरा रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता दो सदस्यों का योग या अंतर सदस्य एक सदस्य होता है, तो इसका जो आपका चौथा रहेगा, चौथे का आंसर आपका रहेगा सत्य। पाँचवा आता रेखा दो एक्स प्लस बराबर तीन वाई बराबर माइनस जेड तथा छः एक्स बराबर माइनस वाई बराबर माइनस फोर जेड के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। छःवा था सारणी कहलाते हैं केवल वर्ग आवयु, तो छःवा आपका रहेगा सत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला रहेगा आपका असत्य, दूसरा रहेगा आपका असत्य, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छःवा सत्य रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न छः आता सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों में समुच्चय जेड में आर बराबर आपका ए बी संख्या दो ए बी को विभाजित करती है के द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, इसका अथवा देख लीजिए। और फिर आपका सातवां क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सातवें का अथवा देख लीजिए, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं बताने वाले क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और फिर आपका आठवें का अथवा था,
तो आठ में कहा था बिंदु दो दो मने से एक, तीन चार दो और सात जीरो छः से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर आपको प्रश्न नौ आता, तो प्रश्न नौ देख ली दर्शा एक बिंदु दो तीन चार और मने से एक मने से दो एक और पाँच आठ सात संरेख है। इसका अर्थ आप यहाँ पर देखते हैं। फिर प्रश्न दस आता त्रिभुज की माध्यिकाएँ संगामी होती हैं, सदिशों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए अवकल समीकरण डी वाई बटे में डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स को हल कीजिए। प्रश्न 21 आता प्रश्न सॉरी प्रश्न 11 आता, प्रश्न 11 देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 12 आता, तभी आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं और इनकी जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेते चलना, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप लेते चलिए। प्रश्न 13 आता, तो प्रश्न 13 देख लीजिए। इसका अर्थ होता है एप्सिलॉन लॉग एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर आपका 14 में आता है दो धनात्मक संख्या एक्स और वाई ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम होगा। अथवा था फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स महत्तम ज्ञात मान ज्ञात करो। फिर 15 में आता समाकलन सेक एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अथवा था समाकलन लॉग एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न 16 आता, प्रश्न 16 देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ मान ज्ञात करना। और प्रश्न 17 देख लीजिए, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर आप प्रश्न 18 आता, तो 18 देख लीजिए, जिसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। और प्रश्न 18 का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो इसका आपका अथवा था वक्र वाई बराबर साइन एक्स एक्स ठीक है अच्छा एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर 27 गृह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, 19वां का अथवा भी आप यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका आता 20वां क्वेश्चन, परवलय रेखा वाई बराबर दो एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर तीन गृह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 20वां का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है ऐसी दो धन संख्या एक्स और वाई ज्ञात कीजिए ताकि एक्स प्लस वाई बराबर 60 और एक्स वाई ज्ञात 3 उच्चतम हो। फिर आपके कैसे में गाथ देख लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का गणित का। और जो आपका इसका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा PDF मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।